बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मीना हुसैन। व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं ज़बरदस्त सी होममेड चॉकलेट आइसक्रीम। आप जो है वो इसको बआसानी घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो है वो फ्रेश क्रीम का पैक, कोई भी टेटर पैक ऑलपर्स का, कोई भी टेटर पैक क्रीम ले सकते हैं। इसके साथ होममेड कंडेंस्ड मिल्क जो मैंने आधा कप लिया है, और 4 टेबलस्पून जो है वो यहाँ पे मैंने कोका पाउडर लिया है। व्यूअर्स, आप क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से डबल भी कर सकते हैं, लेकिन रेशो सेम ही होनी चाहिए। जो हम सबसे पहले अपनी फ्रेश क्रीम को जो है व्हिपिंग क्रीम में बदलेंगे, बहुत आसान प्रोसीजर, मैं आपको मैंगो आइसक्रीम में स्टेप बाय स्टेप बता चुकी हूँ। आपने एक पैन के अंदर जो है वो आइस क्यूब रखने हैं, और उसके बाद आपने एक चिल्ड बाउल के अंदर अपनी फ्रेश क्रीम जो है वो आपने इसमें डाल देनी है, और इसके बाद जो है आपने इसको बीट करना है। बीट करने के दौरान ही जो है हम इसके अंदर जो है वो आइसिंग शुगर डालते रहेंगे। 2 टेबलस्पून जो है वो आइसिंग शुगर ली है, और बस अब इसको इतना हम बीट करेंगे सॉफ्ट और फ्लफी क्रीम जो है वो बन जाए। इस प्रोसीजर को 7 से 8 मिनट जो है वो लगेंगे। हमारी क्रीम जो है वो बीट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है हम अपना कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हम अपना कोका पाउडर शामिल करेंगे। आप जो है कंडेंस्ड मिल्क के अंदर कोका पाउडर को अलग से भी मिक्स करके आप इस मिक्सर के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। अब इसको बहुत जो है वो नरम हाथों के साथ मिक्सिंग करेंगे इसकी। चाहें तो इसमें चॉकलेट चंक्स या चॉकलेट चिप्स भी शामिल कर सकते हैं। बस ये हमारा जो है वो बैटर तकरीबन रेडी है। अब इसको जो है हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर जो है वो शिफ्ट करेंगे। इसको अब हम एक क्लीन जो है वो रैपिंग पेपर के साथ जो है वो इसको हम कवर कर देंगे। ये कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी क्रीम, हमारी जो आइसक्रीम है, इसके ऊपर बर्फ़ की तह ना जम सके। इसको नरम हाथों से हम अपने बैटर के ऊपर लगा देंगे, और इसको 6 से 8 घंटों के लिए फ्रीज करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार है। व्यूअर्स, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं माशाल्लाह से। बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रीमी हमारी जो है चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो तैयार है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।